Psychology by at DG Sir. Topic: Anxiety Disorder. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज हम करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। एक्चुअल में एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसमें कौन कौन से एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट एंजाइटी डिसऑर्डर। नमस्कार दोस्तों, मैं देशांत एक बार फिर से साइकोलॉजी सिंप्लीफाई पर आपका स्वागत करता हूँ। तो आइए करते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। ये हमारा BA फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड यूनिट का एंजाइटी डिसऑर्डर। पहले हम ये जानेंगे कि एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर एक ऐसा मनोविकार या मानसिक विकार होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेंटल डिसऑर्डर होते रहते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एंजाइटी से होने वाले मेंटल डिसऑर्डर पर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्या ये बोल रहा है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में एंजाइटी यानी स्ट्रेस से या चिंता से जो भी मेंटल डिसऑर्डर पैदा होते हैं या होने लगते हैं उन पर अधिक ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मतलब विशेष रूप से उन पे ही फोकस किया जाता है कि कौन कौन से डिसऑर्डर एंजाइटी की वजह से हो रहे हैं किसी व्यक्ति को, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, चिंता से व्यक्ति के मन में डर बैठ जाता है, किसी व्यक्ति के मन में आशंका पैदा होने लगती है चिंता की वजह से, यानी एप्रिहेंशन। दूसरा है कि दुख भाव यानी अनप्लेजेंट फीलिंग। अनप्लेजेंट फीलिंग ऐसी फीलिंग्स होती है जिनका मतलब जो अनचाही फीलिंग होती है, जो अचानक ही आ जाती है, जिनका कोई मतलब ही नहीं होता, जिन्हें व्यक्ति ना चाहते हुए भी फिर भी उनके बारे में सोचने लगता है और वो बार बार उसके माइंड में आती रहती है, ठीक है। यही वजह है कि बहुत तरह के मेंटल डिसऑर्डर एंजाइटी की वजह से पैदा होने लगते हैं, या एंजाइटी की वजह से बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर होने लगते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा है, ये नॉर्मली आपके दो नंबर में एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, या बीएड वालों के लिए भी एक क्वेश्चन होता है, या सीटेट वालों के लिए भी। साइकोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये किसी के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कि क्वेश्चन है कि स्नायु विकृति यानी न्यूरोसिस और न्यूरोपैथी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था और कब किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है, स्नायु विकृति यानी न्यूरोसिस और न्यूरोपैथी शब्द का प्रयोग अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम कुलेन ने सबसे पहले किया था, ठीक है। विलियम कुलेन ने नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर सेंसेशन के लिए किया था, यानी डिसऑर्डर सेंसेशन को समझने के लिए। और ये कहां किया था, सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी में। कब किया था, 1769 में किया था, ठीक है। समझ में आ गया, यानी स्नायु विकृति न्यूरोसिस और न्यूरोपैथी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, क्वेश्चन बनता है ऐसा, ठीक है। तो स्नायु विकृति न्यूरोसिस और न्यूरोपैथी शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम कुलेन ने नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर सेंसेशन के लिए सिस्टम ऑफ नोसोलॉजी में 1769 यानी 1769 में किया था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। एंजाइटी डिसऑर्डर को और थोड़ा जाने तो देखो, एंजाइटी डिसऑर्डर को DSM-4TR में क्लासिफाई किया गया है। इसमें क्या होता है, इसमें रोगी में अवास्तविक चिंता पैदा होने लगती है, मतलब ऐसी चिंता जो वास्तव में होती नहीं है या जो ना के बराबर होती है, लेकिन रोगी में वो बहुत ज्यादा होने लगती है। अब देखो, उदाहरण के लिए मैं तुम्हें बता देता हूं अवास्तविक चिंता कैसी होती है। ऐसी चिंता पेशेंट में होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, कि वास्तव में होती तो नहीं है लेकिन वो उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले लेता है, उसके बारे में एंजाइटी बहुत ज्यादा करने लगता है। जैसे कोई पेशेंट है, सपोज करो, मतलब कोई भी व्यक्ति है, उसके गले में कुछ टाइम से दर्द हो रहा है, वो पेन है तो नॉर्मली, लेकिन उसको क्या लगेगा कुछ समय बाद, मतलब वो उसके बारे में ऐसे सोचने लगेगा कि मेरे गले में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगेगा, और वो इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगेगा कि उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगेगी उस चीज को लेके, किसको लेके, गले में दर्द को लेके, और फिर वो उसी के बारे में सोचता रहेगा हर टाइम कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है,
ये ठीक क्यों नहीं हो रहा, मुझे दर्द हो रहा है, ये क्या ये दिक्कत है, ऐसे सोचता रहता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। वो एक नॉर्मल पेन भी हो सकता है, नॉर्मल समस्या भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाता है। और उस टाइम पे अगर उसको कोई समझाता भी है ना, तो भी वो उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि वो किसी पे भरोसा भी नहीं करता, किसी पे विश्वास भी नहीं करता उस टाइम पे, बस उसको अपनी ही बात ठीक लगती है। और वो एंजाइटी में इतना ज्यादा डूब जाता है कि उसको व्यर्थ की एंजाइटी होने लगती है। ये सारा लिखा है, अभी करते हैं आगे। और क्या होता है एंजाइटी डिसऑर्डर में? एंजाइटी डिसऑर्डर में अवास्तविक चिंता होने लगती है, ऐसी चिंता जिसका कोई वास्तव में अर्थ नहीं होता या जो वास्तव में होती नहीं है, वैसी चिंता रोगी या पेशेंट को होने लगती है या व्यक्ति को होने लगती है, ठीक है। अवास्तविक चिंता ऐसी चिंता जिसका कोई मतलब नहीं होता, व्यक्ति या रोगी खुद ही उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होता रहता है, ठीक है। मतलब सच में प्रॉब्लम इतनी लार्ज नहीं होती जितना वो उसके बारे में सोच सोच के परेशान होता रहता है, ठीक है। जिस कारण व्यक्ति में अतार्किक डर यानी इरिटेशनल फियर भी इतना बढ़ जाता है कि रोगी की नॉर्मल लाइफ का जो बिहेवियर होता है ना, वो भी मैलाडेप्टिव हो जाता है, ठीक है। मैलाडेप्टिव होता क्या है कि किसी व्यक्ति का ऐसा बिहेवियर जो अपने रोज की जिंदगी में समायोजन नहीं कर पाता, मतलब रोज की गतिविधियों में वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। मैलाडेप्टिव को आपको समझना है तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसपे आप उसको देख सकते हो। मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो में डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करो, आप उसी वीडियो पे पहुंच जाओगे और आप उस वीडियो को पूरा देखो और आपको समझ में आ जाएगा मैलाडेप्टिव होता क्या है, ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम आगे DSM-4-TR में। TR मतलब टेक्स्ट रिवीजन होता है। DSM-4-TR में चिंता विकृति यानी एंजाइटी डिसऑर्डर के 6 प्रकार यानी टाइप्स के बारे में बताया गया है। वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखे टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता विकृति के प्रकार। पहला है दुर्भिति यानी फोबिया। दूसरा है भिसिका विकृति यानी पैनिक डिसऑर्डर। भिसिका विकृति को पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है, ठीक है। समन्वय करी चिंता विकृति को बोलते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और GAD। दूसरा है मनोदर्शित बाध्यता विकृति यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको बोलते हैं OCD। पांचवा है उत्तर आघातीय तनाव विकृति, ठीक है, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD इसको बोलते हैं। और कई बार पेपर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि PTSD की फुल फॉर्म क्या है, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और OCD और GAD की भी फुल फॉर्म पूछ देता है कि इसका पूर्ण रूप लिखे है, इसका पूरा नाम लिखे है, ठीक है। तीव्र तनाव विकृति, तीव्र तनाव विकृति को बोला जाता है एक्टिव स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो ये होते हैं हमारे एंजाइटी डिसऑर्डर के 6 प्रकार, ठीक है। अब इन 6 में से सबसे पहले हम फोबिया के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम 1 by 1 करेंगे, क्योंकि थोड़े लेंथी है, एक ही वीडियो में नहीं बताएंगे इनको। तो आइए जानते हैं फोबिया क्या होता है। The end. Be continued.